नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ से चाय गांव पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी। स्थानीय लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री पहुंचे जोशीमठ नगर का सुदूरवर्ती गांव चाई गांव। गांव में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि आजकल चाई गांव में भगवान विश्वकर्मा के 3 दिवसीय मेले का आयोजन चल रहा है। बता दें ये मेला 70 साल बाद इस गाँव में किया जा रहा है। जिस मेले में आजकल दूर दराज से पहुंचे हुए स्थानीय ग्रामीण इस मेले का आनंद ले रहे हैं। मेले में पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज इस गांव में पहुंचा और इस मेले में सम्मिलित हुआ, जो कि मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य का दिन है। स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के अपने गांव में पहुंचने पर काफ़ी खुशी जाहिर की। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि यदि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस गाँव में भगवान विश्वकर्मा के मंदिर का सौंदर्यकरण का कार्य कराऊँगा। जोशीमठ से नवीन सिंह की रिपोर्ट। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।